Good afternoon. सिर्फ चार पांच political parties यहाँ मौजूद थी कि हम उसके बड़े short notice पे दो घंटे के notice पे ये press conference बुलाना पड़ा तो सभी राजनीतिक दल को हम contact भी नहीं कर पाए और बहुत सारे लोग station में भी नहीं हैं लेकिन जो मैं और मेरे साथी हम यहाँ बैठे हैं ये सिर्फ हमारी दलों की आवाज नहीं है बल्कि पूरे विपक्ष की आवाज केरला से लेकर तमिलनाडु से लेकर आंध्रा कर्नाटक से लेकर बिहार से लेकर असम से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न के सभी स्टेटों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो यहाँ नहीं मौजूद हैं कश्मीर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तक तो देश के जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल हैं ये उनकी आवाज है कि कल दिन और रात को सुबह तक जो घटना दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में हुई दिल्ली में तो कल से शुरू हुआ लेकिन देश में सिटीजनशिप बिल को लेकर जिस दिन से ये पास हुआ उसी दिन से लेकर इसका विद्रोह पूरे देश में हुआ और शुरुआत नॉर्थ ईस्टर्न में हुई नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों बल्कि मैंने अपनी स्पीच में जब मैं बोल रहा था सिटीजनशिप पे तो मैंने 7-8 राज्यों के नाम उसी वक्त लिए थे कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम से लेकर मणिपुर मिजोरम से लेकर नागालैंड से लेकर त्रिपुरा से लेकर सभी जगह बिल अभी पास भी नहीं हुआ था तो वहां एजिटेशन चल रही थी इस बिल के खिलाफ और उसके बाद तो केरला महाराष्ट्र गुजरात यूपी बिहार हैदराबाद बेंगलोर दिल्ली कोई भी स्टेट नहीं रही जहां इस बिल का विरोध नहीं हो रहा है मेरे लोग मेरे साथी दूसरे दलों के विस्तार से बोलेंगे लेकिन आज हम कंडम करने आए हैं जो घटना रात को हुई जामिया मिलिया जिस तरह से पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी जिस तरह से लाइब्रेरी में जाकर बाथरूम में जाकर बाथरूम की कई पिक्चरें हैं कि वहां टॉयलेट में पीटे हुए हैं जो मेरे पास पिक्चर आई दो लोग वहां बेहोश थे कुछ लोग उठा रहे थे उनको तो लाइब्रेरी और टॉयलेट में भी जो थे लड़के लड़कियां पढ़ रहे थे उनको भी पुलिस ने माफ नहीं किया हम में से अधिकतर लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए लोग हैं और एजिटेशन हमेशा स्टूडेंट करियर का एक एजुकेशन का एक हिस्सा रहा जिस स्टूडेंट लाइफ में यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में कोई एजिटेशन न हो तो मैं समझता हूँ वो स्टूडेंट गूंगे और बहरे होते होंगे और देश में और दुनिया में शायद कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं होगा कि जहाँ छात्र एजिटेशन अपनी मांगे मनमाने के लिए नहीं करते हो लेकिन यूनिवर्सिटी के एक नियम वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे वक्त में भी एजिटेशन होती थी पुलिस कभी भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाइस चांसलर की या रजिस्ट्रार की अनुमति के बगैर कदम नहीं रख सकती यूनिवर्सिटी प्रमाइसेस यहां रात को जो मैं देख रहा हूं
आज मैं नहीं कह सकता कि सरकार किस ऑफिसर और किस पर दबाव डालेगी और इनकार कराए, लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शन था उसमें वाइस चांसलर ने भी ये कल रात कह दिया कि हमने कोई अनुमति नहीं दी पुलिस को। चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि हमने कोई अनुमति नहीं दी। तो अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अनुमति नहीं दी पुलिस को प्रीमिसेस में घुसने की, तो किस तरह से दिल्ली की पुलिस जो केंद्रीय सरकार के अंदर है, ये देश को बताना जरूरी है, दिल्ली की सरकार भाजपा की केंद्रीय सरकार है, उसके अंदर आती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर नहीं आती है। तो किस तरह से ये सरकार क्लास, ये किस तरह से ये यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी, किस तरह से ये लाइब्रेरी में घुसी, किस तरह से टॉयलेट बाथरूम में घुस के, और एक एक का लड़के हों लड़कियां हों, लड़कियां चिल्ला रही थी अंधेरे में, बचाओ बचाओ बचाओ। ये वहशियाना तरीका जो पुलिस का, इसको हम सब कंडम करते हैं, देश कंडम करता, और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और देश में जो कुछ भी हो रहा, यहां अगर देखेंगे आप, ये देखें महाराष्ट्र, हैदराबाद, हैदराबाद, ये देखिए वाराणसी, ये देखिए गुलबर्गा कर्नाटका में, ये देखिए बैंगलोर, ये देखिए अलीगढ़, ये देखिए केरला, सी ऑफ पीपल, समंदर है लोगों का। ये देखिए जामिया दिल्ली, ये देखिए शोलापुर महाराष्ट्र, लखनऊ यूपी, भोपाल मध्य प्रदेश, बिहार, कैलिकट केरला, आजमगढ़ यूपी, सूरत गुजरात, वाराणसी प्रधानमंत्री जी की कांस्टिट्यूंसी, सीमांचल कोसी, अहमदाबाद, औरंगाबाद, कानपुर यूपी, मुंबई, महाराष्ट्र यवतमाल, और नॉर्थ ईस्ट की अहमदाबाद, और नॉर्थ ईस्ट की तो आपको मालूम है कोई डिस्ट्रिक्ट बचा नहीं है। कि नॉर्थ ईस्ट में जहां कर्फ्यू भी है, असम में लोग मारे भी गए हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया है, तो रिपीट ऑफ कश्मीर, जिस तरह से कश्मीर के मामले में एडवाइजरीज इशू की गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया था, तमाम चीज़ें बंद थी, और ताकि किसी को पता न चले, लेकिन चाहे किसी को टेलीविजन पे पता चले या न पता चले, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि देश में एजिटेशन नहीं हो रही है। देश में बड़े पैमाने पे एजिटेशन चल रही है। जो असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल इन्होंने बनाया, और इसमें कोई धर्म की नहीं, सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई कर रहे, मिलके कर रहे हैं, और बीजेपी इसको कॉमनलाइज करना चाहते हैं। कांग्रेस के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी कहा, कांग्रेस पूरे देश में कर रही है। कांग्रेस अगर इतनी क्षमता होती तो आप सत्ता में नहीं होते माननीय प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस की अगर इतनी ताकत होती कि हम पूरे देश में हर जगह इतना विद्रोह करा सकते हैं, तो आप सत्ता में कहाँ होते। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। ये आरोप, इस आरोप का मैं खंडन करता हूँ। ये कांग्रेस इसके पीछे है, इसके पीछे रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये असंवैधानिक बिल नहीं लाया होता, लोगों की मर्जी के खिलाफ नहीं लाया होता, तो ये कुछ नहीं होता। इसलिए असंवैधानिक बिल ये खुद लाएं,
और फिर आरोप विपक्ष पर और कांग्रेस पर लगाए, इसकी जिम्मेदार रूलिंग पार्टी और सेंटर की पार्टी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट इसके लिए जिम्मेदार है। सभी आम राजनीतिक दल जो भी उपस्थित हैं, मैं उनके ख्यालों से जुड़ता हूं, लेकिन कोई ऐसी बात दोहराऊंगा नहीं, दो चीज़ें आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है कि दंगा और फसाद जब होता है तो वो स्थानीय होता है, कहीं कम्युनल रायट हो जाए, कोई ऐसे हादसा हो जाए। जब दंगे फसाद शासन के फैसलों से हो, वो बहुत खतरनाक होते हैं। ये दंगे फसाद शासन के फैसलों से हो रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब दंगे फसाद शासन के फैसलों से हो, उसका मतलब ये है कि मुल्क शासन के खिलाफ है। यो खिलाफत हम आज वचन लेते हैं, सारे राजनीतिक विपक्षी दल, ये मामला यहाँ रुकने नहीं वाला। हम इकट्ठा होकर हम सारे देश में घूमेंगे और इस शासन के फैसले के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, वो आंकड़ों के जादूगर हैं और असत्य को गले लगाते हैं। उन्होंने संसद में कहा कि जब पाकिस्तान बना तो उस समय जो गैर मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो 23% थी। ये झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। वो 23% जो पॉपुलेशन थी नॉन मुस्लिम्स की, वो केवल ईस्ट पाकिस्तान में थी। वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1947, 1951, 1961, 1971, भाई वेस्ट पाकिस्तान की बात आज के दिन के पाकिस्तान की बल कर है, वो सामान्य रही और आज के दिन भी 3% है लगभग, वो घटी नहीं। तो इस किस्म का गृह मंत्री हो जो आंकड़ों की जादूगरी करे और असत्य देश के सामने रखे ताकि कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाए, असामान्य स्थिति पैदा हो जाए, हिंदू मुस्लिम में दीवार ऊंची खड़ी हो जाए, ऐसे गृह मंत्री को उस पद पे बैठने हमारे लिए, देश के लोगों के लिए एक शर्मनाक बात है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश हमारे बुजुर्गों ने बनाया था और अगर इसको कोई, इस बुनियाद को कोई तोड़ना चाहे तो कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरी बात यह। तीसरी बात, मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 18 तारीख को सुन रही है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में ओरल मेंशनिंग हुई कि जामिया में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, सामान्य स्थिति पहले कायम होनी चाहिए, उसके बाद हम इस पर ज़रूर गौर करेंगे और जो भी हम चाहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इस पर हम आगे कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और मैं हम सब की ओर से कहना चाहता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट जज की एक कमीशन बैठाई जाए ताकि ऐसे और इस ये फैसले क्यों हुए, कैसे हुए, ये दंगे फसाद कैसे हुए। हर जगह पे अभी गुलाम नबी जी ने हर जगह पे बताया किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसको कैसे, इन लोगों से देश को कैसे बचाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तीन चीज़ें हैं जो सदन में अनुमता ओवरवेलमिंग नहीं थी। सबको मालूम है कि लोकसभा में उनका बहुमत है,
उन्होंने वोट दिया और दूसरे उन लोगों ने नहीं दिया, और राज्यसभा में तो बहुत ही नज़दीक का अंतर था, बहुत ही नज़दीक, कम वोटों से उन्होंने जीत लिया। और वहाँ भी वो रीजनल पार्टीज़, और हम देख रहे हैं पिछले 6 साल से किस तरह से रीजनल पार्टीज़ पर दबाव बनाया जाता है, किस तरह से टॉप से ही यहाँ से, कभी भी हम लोगों ने जब सरकार चली थी वोट देने के लिए हमने चीफ मिनिस्टरों पर, राज्य सरकारों पर दबाव नहीं डाला। यहाँ हर इस तरह का बिल जो विवादित बिल है उसमें डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को बताया जाता, उन पर दबाव डाला जाता, और ये मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि उन पर दबाव डालकर, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करके, जो इस तरह से ये सरकार पिछले 6 साल से चल रही है आर्म ट्विस्टिंग करा के, अपने साथ लोगों को करने की या अपने साथ जोड़ने की या दूसरी पार्टियों से जोड़कर अपने पार्टी में लाने की, उस तरह से ये अपना बहुमत बढ़ाते हैं। वरना अगर बिल्कुल फ्रीडम होती तो दोनों सदनों में ये बिल हार जाता। If you don't mind, I just want to say, the history of civilization is the history of tyrannies by the majority. अरे इस सरकार को जब कुछ नहीं चलती तो ये पाकिस्तानी की भाषा, कब तक पाकिस्तान, पाकिस्तान मरा हुआ देश है, उनके खाने के लिए रोटी नहीं, पाकिस्तान ऐसा ही है जैसे मरे हुए शेर में घास और भूसा भर देते हैं तो डराने के लिए रखते हैं, तो ऐसा ही पाकिस्तान है जो मर गया है उसमें कॉटन भरा है, भूसा भरा है, जिंदा। वो बिल्ली चूहे को डराने के लिए तो ठीक हो सकता है, कुत्ते को डराने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को ये सरकार पाकिस्तान के नाम पर कब डराएगी, कब तक डराएगी? और जब भी कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है ये पाकिस्तान की भाषा कर रहा है, तो उसका मतलब है ताकि उसकी आवाज़ बंद हो, वो इससे डरे कि अरे पाकिस्तानी मुझे कहा जाता है तो मैं बात नहीं बोलूँगा। ये ड्रामा भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार बंद करे, उस मरे हुए शेर को जिसका घास से भरा हुआ वो जिंदा खड़ा है, उसके नाम पे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये लोगों का असली मुद्दा है, ये पिछले 6 साल से यही चला, डिमोनेटाइजेशन का जो बुरा असर हुआ उसकी तरफ लोग न जाएं, जीएसटी का बुरा असर हुआ उसकी तरफ जो नहीं लाए, एक कानून लाओ, दूसरा कानून कोई भी दूसरा बना दिया, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए तो तीसरा कानून लाओ, विवादित कानून, किसानों की तरफ लोगों का ध्यान न जाए तो चौथा विवादित कानून लाओ, जीडीपी नीचे गिर रहा है तो आप सिटीजनशिप बिल लाओ। ये तमाम मुद्दे जो राष्ट्र के सामने, किसानों के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, बेकारी के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इकॉनमी के स्लोडाउन के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों से हिंदुस्तान की जनता का ध्यान हटाने के लिए एक के बाद एक विवादित बिल कानून लाया जाता है, चाहे वो संवैधानिक हो या असंवैधानिक हो, उससे इस सरकार को कोई मतलब नहीं है, चाहे उसको लोग एक्सेप्ट करें या ना हो, चाहे उससे दंगे हों या ना हो, उससे कोई इनका मतलब नहीं है। इनको डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों से सीखा है, और राष्ट्र को डिवाइड एंड रूल करने के लिए हर कानून जो बनाते हैं कि जिसमें लोग उसी में फंसे रहें और इनकी तरफ कभी ध्यान न दें। प्रेसिडेंट से टाइम मांगा है और प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो टाइम देंगे, और जो ही फाइनल टाइमिंग फिक्स होगी आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि टाइम देंगे। आप हिज द
head of the state and also the protector of the constitution. हम किसी तरीके के violence के खिलाफ हैं, violence के खिलाफ हैं, violence के favour में नहीं हैं. लेकिन अगर कहीं भी हम violence के खिलाफ हैं किसी की भी forum में, चाहे वो public की तरफ है, सरकार की तरफ से हो, लेकिन अगर कहीं silent protest होता है जो कि लोकतंत्र का एक हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, और हमारी आज़ादी उस एजिटेशन नॉन वायलेंस का आउटकम है, हमारी हमको आज़ादी मिली वो एजिटेशन जो गांधी जी के नेतृत्व में नॉन वायलेंस तरीके से हुई, उसमें जब हमारी आज़ादी ही एजिटेशन नॉन वायलेंस के तरीके पे हुई, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एजिटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए. और ये आरोप कि कांग्रेस पार्टी करा रही है, इसका हम घोर निंदा करते हैं. और जो सरकार खुद इसको कॉमनलाइज करने के लिए अपने भाषणों में कहते हैं, उसकी भी हम निंदा करते हैं. No. The court didn't give any opinion on who is responsible for violence. The court said we can only deal with the matter when all violence stops, and we support it. There should be no violence in matters of peaceful agitation, neither from the state, from the side of the crowd, nor from the side of the state. That's our position. Thank you. Thank you. Bahut bahut dhanyawad. Aap sab ka bahut bahut dhanyawad. Thank you very much.